सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों इसे कहते हैं मुकाबला द क्लैश ऑफ द टाइटंस। मतलब आज जो है मुझे लगभग ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे ब्रॉक लेसनर की और रोमन रेंस की फाइट हो रही हो, या ब्रॉक लेसनर की या अंडरटेकर की फाइट हो रही हो, या गोल्डबर्ग की फाइट हो रही हो ब्रॉक लेसनर के साथ। मतलब ऐसी फीलिंग्स, ऐसे मेरे को जैसे लॉन्च हो रहा था ना रियलमी 3 का, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि रेडमी नोट 7 और रियलमी 3 ऐसा मतलब आपस में इन दोनों का क्लैश हो रहा था। इन दोनों कंपनियों ने कमाल कर दिया है बजट सेगमेंट के अंदर, जिस तरीके का ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं यूजर को, जिस तरीके का आपको कस्टमर को जो वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं एक एक पैसे के ऊपर, मतलब कमाल ही हो गया और मजा आ गया है दोनों फोन की लॉन्च को देख के। इस कंपैरिजन में दोनों ही फोन कमाल धमाल है ऑनेस्टली अगर बताऊं तो। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों की दो लड़ाई हो, चाहे ब्रॉक लेसनर की लड़ाई हो रोमन रेंस के साथ, लेकिन एक बंदा तो जीतेगा ही ना। ऐसे में बहुत स्लाइटली, बहुत छोटा सा भी मतलब इनमें अंतर हो सकता है और आपके ऊपर भी मैं छोड़ूंगा बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, दोनों फ़ोन का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं और किस फ़ोन में क्या है बेहतर, किस फ़ोन में क्या कमी है। वैसे दोनों ही फ़ोन बहुत कमाल के हैं, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिशन ये होने वाला है। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन चैनल विद द वाई फैक्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो Realme 3 के अंदर आपको 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर Redmi Note 7 की बात करते हैं तो 6.3 इंच का फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको डॉट नॉच जो है वो Redmi जो बोल रही है वो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बॉडी की, तो Realme 3 के अंदर आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिल जाएगा, मतलब 3D ग्रेडियंट। ये ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देके बता देता हूं, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो जैसे कलर चेंज करता है ना, तो इसके अंदर आपको तीन कलर के वेरियंट मिलेंगे, जिसमें दो तो ब्लैक ही है, एक डायनेमिक ब्लैक है, क्लासिक ब्लैक है और एक आपको ब्लू देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ इसके अंदर आपको कलर अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बात करते हैं Redmi Note 7 की, तो उसके अंदर आपको फ्रंट और बैक दोनों में आपको ग्लास एक्सपीरियंस मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आपको मिलने वाला है 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ। वैसे जो फ्रेम है वो तो प्लास्टिक का फ्रेम है, लेकिन फ्रंट और बैक में दोनों को आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन की अगर बात करें तो स्प्लैश रेजिडेंट है, मतलब कि डस्ट प्रूफ आपको Realme 3 एक्स्ट्रा थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन इसमें Redmi Note 7 के अंदर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं कि स्प्लैश प्रूफ के साथ साथ इसके अंदर आपको P2i कोटिंग भी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो आपको Redmi Note 7 के अंदर आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 660 का प्रोसेसर, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ CPU है। ये 2.2 GHz की फ्रीक्वेंसी पर चलता है, साथ ही आपको Adreno का 512 का GPU इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं अगर Realme 3 के बारे में, तो उसके अंदर आपको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ Helio का P70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको Mali का G72 का GPU देखने को मिल जाएगा। दोनों ही जो प्रोसेसर हैं दोस्तों वो 64 बिट के आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको P70 के बारे में ज्यादा जानना है तो ऊपर मैंने कार्ड्स के ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर P70 के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ, हालांकि मैंने 675 के साथ किया था, तो वो भी आप ऊपर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी बात करूं Qualcomm Snapdragon 660 की P70 से कंपैरिजन करने की, तो कुछ बातों में P70 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। ये 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना हुआ प्रोसेसर है, तो डेफिनेटली बैटरी एफिशिएंट भी काफी है, परफॉर्मेंस भी इसकी थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जीपीयू की अगर बात करते हैं तो वहां पे स्नैपड्रैगन का जो जीपीयू है Adreno का 512 वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये चीजें इतनी नेक टू नेक है, अगर एंटूटू अगर आप बेंचमार्किंग की बात करें तो वहां पे आपको ज्यादातर जगहों पे P70 जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। लेकिन ये पर्सनल आपका यूजर इंटरफेस की बात है, आप किस तरीके से कौन से डिवाइस के ऊपर इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर एज देने की बात करें तो Helio का जो P70 है वो थोड़ा सा एज लेके चला जाता है AI की अगर मैं बात करता हूं तो, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो लगभग नेक टू नेक चलती है, लेकिन AI में थोड़ा सा MediaTek थोड़ा आगे है P70 का जो प्रोसेसर है 660 के मुकाबले, तो इस चीज में थोड़ा सा इसको ज्यादा एडवांटेज मिल जाती है। बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। कैमरे की अगर बात करें तो 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको Redmi Note 7 के अंदर कैमरा देखने को मिल जाता है, रियर वाला ड्यूल कैमरा इसके अंदर आपको मिलता है, लेकिन दोनों ही कैमरा जो है F2.2 के अपर्चर पे काम करते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं Realme 3 के बारे में, तो यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का AI ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको F1.8 का अपर्चर देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट है, मतलब कम लाइट के अंदर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। तो डेफिनेटली कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो Realme 3 जो है वो बाजी मार के ले जा रहा है Redmi 7। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों के अंदर ही आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है फेस अनलॉक के फीचर के साथ, और दोनों ही कैमरा के अंदर को F2.0 का अपर्चर देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है Redmi Note 7 के अंदर, वहीं पर आपको 4230 mAh की बैटरी मिलने वाली है Realme 3 के अंदर।
दोस्तों आप सोचेंगे कि 230 mAh की क्या मतलब बैटरी अगर फर्क है, बट मैं आपको बता देता हूँ जहां बैटरी की बात आती है ना, तो 1% बैटरी मेरे लिए काफी मायने रखती है। ऐसे में 230 mAh की बैटरी का ज्यादा होना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर से AI इनेबल्ड है, तो ये 5% बैटरी आपको करीब 10% ज्यादा बैकअप देखने को मिल जाएगा। या अगर मतलब 10 घंटे आपका मोबाइल जो है बैकअप देता है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा बैकअप मिलना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट हो। अब बात कर लेते हैं वेरियंट के बारे में, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको 3 GB और 32 GB और 4 GB और 64 GB का वेरियंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज हमारे को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो Realme 3 के अंदर जो प्रोसेसर है P70 का, उसका रैम सपोर्ट थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे जाता है। LPDDR4X जो है उसके अंदर ज्यादा मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। ऐसे में रैम परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी P70 वाले प्रोसेसर जिस मोबाइल के अंदर है। लेकिन अब प्राइस की बात कर लेते हैं, 3 GB और 32 GB वाला वेरिएंट जो है वो आपको Redmi 7 के अंदर मिलेगा 9,999 रुपये का। वही जो 3 GB और 32 GB वाला वेरिएंट है वो Realme 3 के अंदर आपको 8,999 रुपये का मिलेगा। वही बात करता हूँ 4 GB 64 GB वाले स्टोरेज के बारे में, तो 11,999 रुपये का Redmi 7 के अंदर मिलेगा, और 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट जो है Realme 3 के अंदर आपको 10,999 रुपये का मिलेगा। तो 1,000 रुपये कम हर मॉडल के अंदर, मतलब 1,000 रुपये कम, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है बजट सेगमेंट के अंदर। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, कहीं भूलना जाऊँ, हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने को मिलता है Redmi Note 7 के अंदर। वहीं पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, मतलब ट्रिपल आपको स्लॉट मिलने वाले हैं Realme 3 के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक आउटकम की, मतलब जो कंपैरिजन मैंने किया है उस अंदर आउटकम की बात कर लेते हैं। अगर बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, तो डेफिनेटली Redmi Note 7 जो है वो ज़्यादा अच्छा है Realme 3 के मुकाबले। अगर बात करते हैं USB-C पोर्ट की, तो उसमें Redmi Note 7 के अंदर आपको USB-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जबकि आपको Realme 3 के अंदर वो नहीं देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग के अंदर क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट आपको Redmi Note 7 के अंदर देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डब्बे में जो चार्जर निकल के आएगा वो दोनों में ही 10 W का चार्जर निकल के आएगा, तो ऐसे में जो चार्जिंग होगी नॉर्मली वो 10 W के चार्जर के हिसाब से ही होगी। बट अगर आप एक्स्ट्रा चार्जर अलग से खरीद सकते हैं, तो Redmi Note 7 की आपकी चार्जिंग ज़्यादा फास्ट हो सकती है। ऐसे में एक चीज़ और मुझे याद आती है कि Realme 3 वालों ने अपनी केसिंग निकाली 599 रुपीज़ के अंदर, जो कि मुझे लगता है थोड़ी उन्होंने ज़्यादा महंगी लॉन्च कर दी है। जैसे इन्होंने डब्बे में चार्जर नहीं दिया ना, लेकिन अलग से क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट दे दिया, उस तरीके से जो डब्बे में इन्होंने केस उस तरीके से नहीं दिया, लेकिन जो अलग से 600 रुपये केस दिया है वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हालांकि जो इंसान 7-8 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीदता है, 10 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीदता है, 600 रुपये का नॉर्मली वो केस नहीं खरीदा। 200 से 300 रुपये तक का केस अगर होता तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा रहता। तो बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एज लेके चला गया Realme 3 Note 7 के मुकाबले, प्राइसिंग में भी और थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी। एक दो चीज़ें अगर आप निगलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगर स्क्रीन की क्वालिटी की बात करें या फिर USB-C की बात करें, तो मेरे को हालांकि पर्सनली USB-C या माइक्रो से इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अलग बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इस मॉडल में मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर 10 W का चार्जर मुझे मिल रहा है। सेम मुझे चार्जिंग मिलने वाली है, 3.5 mm जैक जो है वो दोनों के अंदर मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, दो चीज़ों का, USB-C का और फुल HD का। बाकी HD+ स्क्रीन तो आपको Realme 3 के अंदर मिल रही है, प्राइस 1,000 रुपये कम मिल रहा है, बैटरी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस जो है वो प्रोसेसर की नेक टू नेक आपको मिलने वाली है, कैमरा परफॉर्मेंस फॉर श्योर आपको Realme 3 के अंदर ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ये था मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन दोनों फ़ोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना यार, और बहुत जल्दी और कंपैरिजन आने वाले हैं, जो कि प्रोसेसर के भी होंगे और फ़ोन के भी होंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा।